यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देश की उन प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से है जिनके सपने करोड़ों युवा देखते हैं। हर साल लाखों युवा महज कुछ सीटों के लिए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और अक्सर लोग यूपीएससी और आईएएस को एक समान समझ लेते हैं, जो कि सच नहीं है। यूपीएससी भारत में 24 ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करती है और आईएएस भी उन्हीं सेवाओं में से एक है। तो आज हम आपको सिविल सर्विसेज की परीक्षा के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम है ऐश्वर्या। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी। तो पहला सवाल, क्या है यूपीएससी? तो यूपीएससी भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसियों में से एक है। ये सभी भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए नियुक्तियां करती है और परीक्षाओं का आयोजन करती है, जिसमें देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाएं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस और भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाएं शामिल है। तो आईएएस आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करनी होती है और यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल इस परीक्षा को आयोजित करती है। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु इसके लिए 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 32 वर्ष निर्धारित की गई है। ओबीसी उम्मीदवार के लिए 3 वर्ष की आयु और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी स्ट्रीम से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 6 बार प्रयास कर सकते हैं, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार 9 बार प्रयास कर सकते हैं और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए कोई सीमा नहीं है। अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो सिविल सेवा परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में लिखित और साक्षात्कार के रूप में होती है। ये परीक्षा केवल उन आवेदनों के लिए है जो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। तो उम्मीदवारों का चयन जिन तरीकों से किया जाता है वो हम आपको बताते हैं, प्रीलिम्स परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तो प्रीलिम्स परीक्षा में 2 पेपर्स होते हैं और दोनों ही पेपर्स में शामिल होना अनिवार्य होता है। हर पेपर 200 अंकों का होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है। दोनों पेपर्स यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एक पेपर के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, यानी इसमें सफल होने के लिए इस पेपर में कम से कम 33% यानी कि 33% अंक लाना जरूरी है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि हर गलत जवाब पर आपको वो अंक काटे जाएंगे जो आपने सही जवाब देकर हासिल किए हैं। क्वेश्चन पेपर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होते हैं। सिविल सर्विसेज के मेन एग्जाम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। तो लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 क्वालिफाइंग यानी कि ए और बी और 7 अन्य मेरिट के लिए है। उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई किसी भी एक भारतीय भाषा का चुनाव करना होगा। बात हम विषय की करें तो अंग्रेजी और निबंध के अलावा ये विषय शामिल है, भारतीय विरासत और संस्कृति, दुनिया और समाज का इतिहास, भूगोल, गवर्नेंस, संविधान, राजतंत्र, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, अखंडता, एप्टीट्यूड। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए उम्मीदवार यूपीएससी द्वारा उपलब्ध 25 विषयों की सूची में से किसी एक विषय का चयन कर सकते हैं। मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है और ये इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है और इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और मेरिट लिस्ट बनाते समय क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते।
तो सारे विषयों की लिखित परीक्षा का कुल योग 1750 होता है और अंतिम चरण का इंटरव्यू 275 का होता है। तो इस प्रकार जो कुल अंक होते हैं वो 2025 होते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और अगर आप विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशंस है तो उन्हें कॉमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।